हम लोग गए थे पटना प्रमंडल का मीटिंग हुआ था, वहाँ युवा का ही सिर्फ मीटिंग हुआ था, उसमें आरसीपी सिंह सर ने कहा था कि सभी लोग आई कार्ड दिया जाएगा और नेम प्लेट। लेकिन अभी हम लोग किसी को भी युवा को पूछा भी नहीं गया, सिर्फ मेन विंग को ही आई कार्ड दिया गया या नेम प्लेट दिया गया है, क्योंकि हम लोग अगर कोई वैल्यू ही नहीं है तो हम लोग इस महीने से फायदा क्या है। ये आपको पहुंचा रहा हूं ताकि हमारी बातों को ऊपर तक पहुंचाए, जब हम आपके लिए ही जान से लगे हुए हैं और हमको लग रहा है कि युवा युवा नहीं है पार्टी का, युवा के बिना कोई भी है तो कुछ नहीं करता। खबर करते हैं जहां भीड़ जुटाना होता है, पैसा का जरूरत पड़ता है गाड़ी का, तो वहां हम युवा को खोजा देता है, बाकी कोई लाभ लेना होता है वहां हम लोग को नहीं खोजा देता है। तो ये चीज को ध्यान रखना, हमारी 500,000 रुपए खर्च हो गए, 1 रुपए हम लोग आमदनी का स्रोत नहीं बनाया जा रहा है, खाली हम लोग पार्टी में कोई भी हम लोग का जदयू से कोई भी मीटिंग होता है, कुछ भी अगर कोई ठीका भी दिया जाता है या कोई भी हम लोग का कोई काम ऐसा है जो इनकम का स्रोत है, उसमें जदयू के लोगों को शामिल किया जाए हमेशा। नहीं नहीं, जो बात हम बोल रहे हैं मुद्दा ही है, बीच में ना रोका जाए, ताकि कोई बात जो हम कहना चाह रहा हूँ कह नहीं पाएगा, दबा देने से हमारी दिक्कतें जो है वो दूर नहीं होगी। इस बात को समझिए, हम सभी लोग पीड़ित हैं, हमारे जदयू एक ऐसा है जो ईमानदारी के नाम पर हम सब बात खा जाए, ईमानदार तो है लेकिन हम लोग क्या करें, घर से खाली खर्च लगा लेंगे इसमें आए हुए हैं, तो इस चीज को ध्यान रखा जाए। हम बिंदु पर चर्चा ये दरअसल युवा विंग का बैठक है यूनाइटेड का, आपको जानकारी होगा और राज्य भर का देश के लोगों की जानकारी है कि 3 मार्च 2019 को एनडीए का महारैली का आयोजन किया गया है पटना के गांधी मैदान में। पटना के गांधी मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं की भागीदारी हो, इसकी तैयारी के संदर्भ में भी यह बैठक है। दूसरी बात है कि राज्य सरकार की तरफ से लगभग 450 से ज़्यादा योजनाएं चलाई जा रही है, युवाओं के लिए चलाई जा रही है, महिलाओं के लिए चलाई जा रही है, किसानों के लिए चलाई जा रही है, व्यवसायों के लिए चलाई जा रही है और सभी वर्गों के लिए जो योजनाएँ चलाई जा रही है उस योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का भी निर्देश युवा साथी को भी दिए जाएंगे, जिन जनता के बीच जाएंगे। ये दोनों सवालों पर ये बैठक है और बैठक का मेन मुद्दा यही है। किया गया सबसे बड़ा बात अभी जागरण हो रहा है कि आर्थिक समस्या आ रहा है युवाओं के कार्यकर्ताओं में। सबसे पहले तो मैं पुलवामा में शहीद तमाम हमारे देश के सपूतों को मैं नमन करता हूं। देखिए, जो 3 तारीख को रैली है पटना के गांधी मैदान में जो एनडीए के द्वारा है, उसमें हमारा भोजपुर जिला के जो युवा है, हमारे भोजपुर से सबसे ज़्यादा भागीदारी रहेगा उस पटना के गांधी मैदान में। इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध है, संपन्न है, हमारे तरफ से पूरा ताकत लगा के एक ऐतिहासिक रैली को बनाने का हम लोग काम करेंगे भोजपुर की धरती की ओर से।